आपके वो नान तेल वाले मुझे बड़े याद है आज भी। क्या रुपए प्लेट क्या बिरयानी की अपनी? 230 रुपए प्लेट है। अंबरसरी ढाबा जगह का नाम है जहाँ मिलता है आपको प्योर देसी घी का मीट और साथ है बिरयानी। दो बड़ी बड़ी हांडियां लगा रखी है, एक में मटन प्रिपेयर्ड है और एक में बिरयानी। यहाँ के दो ब्रदर्स हैं जो जगह को चलाते हैं, अनफॉर्चुनेटली आज एक ही ब्रदर है, दूसरे आ नहीं पाए, या मे भी शाम को आएंगे। करना क्या है, ऑर्डर करना है ये सब कुछ। थोड़ा हांडियों में आपको दिखाना किस तरह से प्रिपेयर है, दो बड़ी बड़ी जो हांडियां हैं आप उसको दिखाना किस तरह से प्रिपेयर है, उसके बाद सच्चा रिव्यू। गाइस मैं बाहर से ना बोर्ड अभी ले नहीं पाया, कोई नहीं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। क्या ले भैया, कैसे हो? बस बस बढ़िया। ऑल वेल जी, बस वेलकम भैया। गाइस ये देख रहे हो, मैं बता रहा था ये हांडियां लाइव तैयार है यहाँ पे। दोपहर को कितनी देर के लिए शॉप खुलती है अपनी? दिन में होता है 1:30 से 4 बजे तक। 1:30 से 4 सारा माल खत्म इसमें। वेरी गुड जी। और इसमें बिरयानी, अभी आपको बिरयानी दिखाते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मटन। गाइस यहाँ पे है जी बिरयानी, खत्म होने वाली है जी। हाँ बस लेट हो गए, बस लेट हो गया, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ यार। क्या रुपये प्लेट क्या बिरयानी की अपनी? 230 रुपये प्लेट है। 230। और कितने पीस आते हैं इसमें? एक क्वार्टर चिकन होता है, ये मतलब दो पीस हो गए। हाँ, अरे वाह, भाई शक्ल देखो। अच्छा हल्की स्पाइसी होती है, है? हाँ, थोड़ी स्पाइसी तो होती है। वेरी गुड जी। और गाइस यहाँ पे देख लो मीट की शक्ल, क्या बात, सारा कीमे के साथ देसी घी बिल्कुल। तो गाइस मैं दिल्ली में मजाक नहीं कर रहा, वन ऑफ द फाइनेस्ट मटन देयर आई लाइक, कीमा भी हो गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पाइसी होता है, मैं पहले आपको बता दूँ, बिकॉज़ आई हैव हैड इट यहाँ से पहले, और अच्छी खासी मिर्च लगती है और लोग पसंद भी करते हैं। हाँ इतनी भी नहीं, मतलब ठीक है स्पाइसी, इतनी स्पाइसी नहीं कि खाया ना जाए। अच्छा ब्रदर कहाँ पे आज? ब्रदर अभी आने वाला, थोड़ा लेट आता हूँ। अच्छा एक और बार देखो जी, आपके वो नान तेल वाले मुझे बड़े याद हैं आज भी। हैं, अरे वाह गाइस, पीछे हो रहा है रोटियों का काम। वैसा पहले आपको एक बार जगह दिखा दूँ, ये देखो जी, और यहाँ पे हो रहा है जी काम खाने पीने वाला। सो अभी पैक था, शुक्र एक दो टेबल खाली हुए ताकि हम खा लेंगे। कैसे हो भैया? बढ़िया जी। अरे वाह, चलो बाहर चलते हैं, थैंक यू। हाँ जी देख रहे हो जी, अच्छे से लोग अपना एंजॉय करते हैं यहाँ पे खाना। प्योर देसी की माल ब्रदर? हाँ बिल्कुल प्योर देसी, पहले का वैसी है। अब नए व्यूअर्स देखेंगे ना, पता सबको चलना चाहिए। क्या हाल है भैया, कैसे हैं? बढ़िया है सर। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक ठाक। अच्छा बढ़िया सी, मेरे लिए रोटी लगानी है, एक तो वो तिल वाली, तिलौंजी डालते हो ना जी, नान उसके साथ नान बनाना है आपने, बढ़िया सा है। ठीक है जी, ये देख लो जी, इसे कहते हैं कड़क तंदूरी रोटियाँ। एक कड़क तंदूरी भी खाऊंगा साथ में। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। अच्छा कोई पोर्टल वोटर कराए तो भेज दोगे ना सामान? हाँ पोर्टल से हो जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ जोमेटो से होती है। समझ गया, पर कई लोग दूर है यार, नहीं मिलते तो उनको मिल जाएगा ना? डाल दिए, डाल दो उसके अंदर, डाल दो। हमारे भैया कह रहे हैं कि और डालो मसाला। अच्छा स्पाइसी मसाला है सर? बिल्कुल बिल्कुल, जाएगा वो तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मसाला डाल दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, स्पाइसी लवर। अच्छा मेरे लिए कोशिश करना नल्ली और अगर चाप हो जाए। ठीक है भाई, सॉरी बारह मटन दिखा रहा हूँ आपको, इज ओनली बिकॉज देखना बनता है यार, इसी के लिए स्पेशली मैं गुड़गांव से आया हूँ। 200 किलो के हिसाब से किसी को चाहिए तो? नहीं किलो का नहीं, किलो का नहीं है, मतलब जो है क्वार्टर के हिसाब से। हाँ हाँ बिल्कुल, ये प्लेट होता है हमारा। कोई प्री ऑर्डर करे किलो के हिसाब से? बिल्कुल प्लेट। अच्छा गाइस रेगुलर कस्टमर कैसे सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी हैव बीन कमिंग हियर फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, आई डोंट रिमेंबर, 15 इयर्स और सो। 15 इयर्स सर? या 15 साल से आ रहे हैं। अच्छा दिस इज द सेम, ओनली यू प्रेफर बिरयानी और मटन? आई वी टेक मटन करी ओनली, वी आर मटन लवर्स, वी मटन लवर्स। शाम को चिकन भी देते हैं मेरे ख्याल? शाम को नहीं आते यहां पे, बहुत रश होता है, जगह नहीं होती यहां पे। अभी भी नहीं थी जब मैं आया था, बारिश हो गई, शुक्र है लोग कम है। वी हैव बीन स्टैंडिंग आउटसाइड फ्रॉम लास्ट 30 मिनट्स और सो, देन वी गॉट द प्लेस। पिछले 30 मिनट्स से वेटिंग कर? जी जी जी। अच्छा जी जी, देन ओनली वी गॉट द प्लेस। चलो वेरी गुड सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब शुरू करना है, अब शुरू करना है, कैमरा ऑन हो चुका है। हाँ। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूं। अच्छा कहाँ से आए पहले आप बताओ? आप मैं गाजियाबाद से आया हूं। गाजियाबाद से आए हो, बहुत बड़े फूडी हो आप। हाँ। पीछे पापा हैं? हाँ। अच्छा कैसे सर? अच्छा कैसा लगता है यहाँ का खाना? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब यहाँ का मीट बहुत ज्यादा टेंडर और बहुत ज्यादा अच्छा अरोमा है यहाँ का। अच्छा बहुत ज्यादा स्पाइसेस उभर के भी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आप तो बहुत बड़े फूडी बनने वाले हो जिस तरह से आप बात कर रहे हो। चलो और सब ठीक ठाक है? और मुझे टॉन्सिल्स हो रहे थे तब भी मैं यहाँ पे स्पेशली आया हूँ यहाँ का मीट खाने। अच्छा, इतना अच्छा लगता है? चलो बहुत अच्छी बात है। चैनल का नाम पता आपको? शोएब अरोड़ा। हाँ, इसमें देखना है। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर। अंगूठी रख दी है साइड पे, खाना लग गया है सामने एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। अच्छा लग रहा है, पहले भी खाया इसका, डेढ़ दो साल बाद आ रहा हूँ, देखना ये क्वालिटी सेम है कि नहीं है। बिरयानी से चालू करेंगे और हाथ का इस्तेमाल करेंगे हल्की सी ग्रेवी डालने के बाद। पास आ जाओ। ये है जी देसी घी कीमा की ग्रेवी जो कि हमने डाली है राइस पे। सच बताऊँ एंड नो एग्जैजरेशन यार, देख के शक्ल बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके मुँह में पानी आ रहा है कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, एंड इट्स दिस नथिंग रॉन्ग इन एडमिटिंग यार। ठीक है ना, आ रहा है तो आ रहा है। आने का पर्पज़ क्या होता है, खाने का पर्पज़ क्या होता है? लाइफ, फन, एंटरटेनमेंट। बहुत पानी नहीं आ रहा। आ जाओ जी, आ जाओ। ये जी ये हल्का सा पीस रखा लेग पीस का, तोड़ के और बाइट लेते हैं। ऑलराइट, 3, 2, 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। अरे मैं आपको बताऊँ, पिछले बार इसका ब्लॉग डाला था ना डेढ़ दो साल पहले, कुछ लोगों ने कमेंट किया इट्स नॉट गुड। आई एम सॉरी विद रिस्पेक्ट बट आई डोंट बिलीव इट। हाँ, हर किसी को हर जगह की हर चीज़ पसंद नहीं आती, ये बात मैं मानता हूँ, बट अगर 10 में से 8 लोगों को जगह समझ आ गई ना तो मेरा पर्पस आने का सॉल्व हो गया। मसालेदार स्पाइसी, फिर बता रहा हूँ, ये बोले ना बोले मेरे को स्पाइसी लगती है, मसालेदार है। अगर तो आप ज़्यादा मसाले नहीं कर सकते फिर तो डोंट कम, बट अगर आपको खाना चाहिए चटपटा मसालेदार, दिस इज़ द प्लेस। हाँ हाँ, मज़ा आ गया। नहीं आता यार, रियली हैप्पी यार, वेरी हैप्पी। आ जाओ जी, लाइन लगते साइड पे। अब आते काम की बात पे। आ जाओ जी, आ जाओ। ये अजीन का नान देख रहे हो, तेल वगैरह डाल के देसी घी लगा के, एंड बाय द वे इट्स नॉट बटर, इट्स देसी घी। आ जाओ जी, आ जाओ। आई एम सॉरी मेरे हैंड्स मेस्ड अप है यार, बट मटन खा रहे हैं यार। हाँ हाँ हाँ, गली का पीस है, शक्ल देख रहे हो ये। ले बाइट, कीमे वाली ग्रेवी, हल्का सा प्याज, कुछ शब्द नहीं है। छोटी सी बात यह है कि दिल ले जाएगा, नो डाउट, इतनी भीड़ यहाँ होती है, लोगों के प्री ऑर्डर चलते हैं, मतलब बात करने का समय नहीं है। दोनों भाई सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के बलबूते पे, क्वालिटी के जोर पे इस जगह को चला रहे हैं। कई लोग कहेंगे हल्का एक्सपेंसिव है, ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ हल्का एक्सपेंसिव भी है। 25-30 रुपये बचा के साधारण खाने से अच्छा स्वादिष्ट खाना ना खाया जाए। और वैसे कौन सा डेली खाते हैं आप लोग? वंस इन अ व्हाइल खाते हैं ना। हाँ, रिव्यू पे भरोसा जरूर करना, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो इनकी क्वालिटी पे, इनकी सर्विस पे। और एक कंडीशन है, लाजपत नगर है, साउथ दिल्ली कितना चक्कर लगता है कि नहीं? और देखो पेड प्रोमो नहीं है, लोग कहते हैं मैं इतनी पिचिंग कर रहा हूँ। सी, मेरा आइडिया इज मैं एक फूडी इंसान हूँ और चाहता हूँ लोग अच्छा खाना खाएं मेरे थ्रू, खुशी मिलती है, बस मोटी मोटी गेम है। एनीवे आखिरी बाइट ले रहा हूँ। अमृतसरी ढाबा, लाजपत नगर, जुदा खाता खाता बाकी पैक कराता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, जस्ट हैड माय मील, थैंक यू। क्वालिटी ना हमेशा अटमोस्ट रहती है, मज़ा आ गया सब, प्लीज से मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया यार। टेस्ट हुई है, टेस्ट हुई है, तसल्ली हुई है, मतलब ना मैंने तसल्ली से खाया। कई बार क्या होता है ब्लॉक के बाद छोड़ देता हूँ कि बहुत खा लिया, बट यहाँ मैंने खत्म किया, आज पैक नहीं करवाया। अच्छा, मज़ा आया, थैंक यू वंस अगेन गाइस। अमृतसरी ढाबा लाजपत नगर है, बना हुआ है,
यहाँ का मटन खाने का मतलब जेन्युइन दिल्ली का मीट खाना, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है जी, आना है, पहुँच जाना यहाँ पे। जोक सपाट रिव्यू पे भरोसा करना, दिल्ली का मीट मजाक नहीं है और ये बात समझो। और यहाँ पे ऐसा मिल रहा है अमृतसरी ढाबा, प्योर देसी घी मीट, लाजपत नगर। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स डाल दूँगा। नाम मिले फ़ोन करके परेशान करना है, पहुँचना है, खाना ट्राई करना है एंड कमेंट में बताना अच्छा लगा नहीं लगा। कमेंट इसलिए करना है इज ओनली बिकॉज दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस एट द प्लेस दैट आई सजेस्टेड। है कि नहीं है? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा। अंटिल देन टेक केयर, हैव फन।